नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयनका मैथ्स स्टडी माय लवली वॉइस। आपका मेरे चैनल गोयनका मैथ्स स्टडी में हार्दिक स्वागत है। मेरे बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 3 to 8 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी भैया हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। चलिए बेटा, आपका विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे से अपने पॉइंट पर आते हैं। देखिए, ज्यादा लंबी लंबी वीडियो हम आजकल नहीं बना रहे, इसलिए आप पूरी क्लास को जरूर ज्वाइन किया करिए, ठीक है। आर 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग evenly spread out to a platform of 22 meter by 14 meter, find the height of the platform। ऐसा क्वेश्चन जब मैंने आपको एग्जाम्पल इस वाली एक्सरसाइज के कराए थे, इससे पहले इसको कंबाइंड वाला मैंने सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था भैया, है ना, कि भैया इस प्रकार से ये क्वेश्चन होती है, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये थर्ड आपके सामने प्रेजेंट है। अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ, ठीक है ना, ये प्लेटफॉर्म का फॉर्मेट ले रहा है। किसका फॉर्मेट ले रहा है भैया? प्लेटफॉर्म का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी रेक्टेंगुलर प्लेन पर हम जब उसमें हाइट इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो फिर वो शेप क्यूबॉइडिकल हो जाती है। कैसी शेप हो जाती है भैया? क्यूबॉइडिकल शेप हो जाती है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल में जब हाइट इंक्लूड हो जाएगी तो फिर वो क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाता है? क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप की शेप बन जाएगी। तो जब तक मिट्टी कुएं के अंदर थी, कैसी शेप में थी भैया? बैल के आकार की थी, यानी सिलेंड्रिकल के आकार की थी, कहीं कोई डाउट तो नहीं था, है ना। अच्छा, अब उसको वहां से निकाल करके हम कहां पर ले आए? रेक्टेंगुलर प्लेन पर ले आए। रेक्टेंगुलर प्लेन में उसकी हाइट इंक्लूड हो गई। हाइट इंक्लूड हो गई तो फिर वो क्या बन गया भाई? क्यूबॉइड बन गया। तो अर्थ का वॉल्यूम जो सिलेंडर में से निकली, उसका वॉल्यूम क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो जाएगा भैया? क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल। तो हम यहीं पर ये सेम स्थिति करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डायमीटर ऑफ वेल इज 7 मीटर, तो रेडियस हो गया 7/2 मीटर, ठीक है, एंड हाइट ऑफ द वेल हो गई 20 मीटर। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इतना, ब्रेथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इतना, तो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल सिलेंड्रिकल शेप में होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड रेक्टेंगल, क्योंकि वो क्यूबॉइडिकल शेप में हो गया। तो एल इंटू बी इंटू एच, दोनों की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एच को आप सॉल्व कर लीजिए, क्लियर। चलिए अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसमें क्या है कि अर्थ को, अब यहां पर जो अर्थ है उसको जो है प्लेटफॉर्म पर नहीं डाला गया है, उसको उसी के चारों तरफ से एक एम्बेगमेंट की शेप दे दी है। किसकी शेप दे दी है? एम्बेगमेंट की। जैसे हमारा ये सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल वेल है, ठीक है ना, ये वेल है, और इस वेल में से जो अर्थ निकला है
उस अर्थ को निकाल करके एक हॉलो सिलेंडर की शेप दे दी। किसकी शेप दे दी गई है? हॉलो सिलेंडर की, ठीक है ना। तो जो हॉलो सिलेंडर की शेप दी गई है, उस हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, क्योंकि एम्बैकमेंट जो होता है, आप इसको ध्यान में रख लीजिए कि भाई एम्बैकमेंट की जो शेप होती है वो हॉलो सिलेंड्रिकल होती है। कैसी शेप होती है भैया? हॉलो सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। तो ये हमारा एम्बैकमेंट है, क्लियर। तो ये जो इसकी शेप है, ये अब इसमें कन्वर्ट कर दी गई है हॉलो सिलेंडर में। ये एम्बैकमेंट है, ये सिलेंडर, इसमें से अर्थ निकाल करके यहाँ पर फैला दी गई है, ठीक है। तो देखिए, पहले आपको सिलेंड्रिकल बेल की आप निकाल लीजिएगा, तो रेडियस इक्वल टू इतना बेल का और हाइट इक्वल टू इतना, ये बेल के लिए रेडियस इतना हो गया। अब एम्बैकमेंट के लिए, क्योंकि एम्बैकमेंट को जो किस थिकनेस में, उसको ब्रथ में फैलाया गया है मिट्टी को 4 मीटर की में, तो एम्बैकमेंट के लिए हॉलो सिलेंडर के लिए, एम्बैकमेंट का हॉलो सिलेंडर, उसके लिए आउटर रेडियस कितनी हो गई भाई? 3/2 + 4 यानी 11/2 हो गया। कितना हो गया? 11/2 मीटर हो गया, क्लियर है। यानी 5.5 मीटर आ गया, 5.5 मीटर, ठीक है ना। अब चलिए आप देखिए, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, ठीक है। तो एम्बैकमेंट का मतलब हॉलो सिलेंडर, तो यानी आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम। कंपेयर करा दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच अंदर वाले की एच हमने ले लिया, एम्बैकमेंट इसका कैपिटल एच, इसका भी इसका, आप एच वन एच टू कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना उस सब चीज से। एच तो क्योंकि सेम रहेगी एम्बैकमेंट की, या एच वन एच टू की नहीं, कैपिटल आर स्मॉल आर की जरूरत है, तो वो हमने यहाँ पर कर लिया। सॉल्व करके आप क्या निकालोगे भैया? एच निकाल लेंगे। तो एम्बैकमेंट की जो हाइट बनेगी वो कितने मीटर तक बनेगी? 1.125 मीटर तक की शेप में बनेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग द हेमी स्फेरिकल ऑन द टॉप। देखिए आपने देखा होगा कोन खाई होगी, शादी ब्याह में या बहुत से खोचे वाले बेचते हैं कि भाई उनके नीचे ऐसे सिलेंड्रिकल लगा हुआ होता है दूध मलाई की आइसक्रीम वाला, ऐसे करके लिया तो पहले तो कोन में भरता है अंदर तक और फिर ऊपर से एक हेमी स्फेरिकल शेप पर बना के रख देता है, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से ये सिलेंडर है, इसमें से आइसक्रीम निकाली जा रही है, इस प्रकार के कोन में भरी जा रही है। कोन वाली आइसक्रीम की शेप क्या क्या हो रही है? ये कोनिकल प्लस हेमी स्फेरिकल, कोनिकल प्लस हेमी स्फेरिकल, ठीक है ना। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू किसके हो जाएगा? मान लीजिए हमने इसमें से एन कोन्स भर दिए, कितने कोन्स भर दिए? एन। तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, ठीक है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू, क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द बेसन, यानी सिलेंड्रिकल तो पाई आर स्क्वायर एच, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द बन कोन, बन कोन में आइसक्रीम कितनी होगी? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, ठीक है। ये कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये हेमी स्फीयर का फॉर्मूला, ये हमारे सिलेंडर का फॉर्मूला। हमने इनके रेडियस को डिफरेंट कर दिया है, हमने सपोज कर लिया कि भाई वॉल्यूम सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर है, हाइट उसकी कैपिटल एच है। ये जो कोन बना रहा है इसकी हाइट स्मॉल एच, रेडियस क्योंकि कोन की और हेमी स्फीयर की सेम होगी, जिसको हमने स्मॉल आर से शो करा दिया। पुट कर दीजिए फॉर्मूले में वैल्यू, एन की वैल्यू आ जाएगी, टेन कोन्स फिल हो जाएंगे, आंसर सॉल्व कर लीजिएगा। प्रोसेस आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को इसको समझना है, वीडियो को समझने का तरीका क्या है। अपने पास में आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ठीक है। जब आप अपने पास में कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो उससे क्या होगा कि भाई हमने जैसे ही समझा दिया आपको, ये वाली चीज समझा दी, आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, रख दीजिए, पॉज कर दिया, रख दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पॉज करने के बाद, रफ करने उसके बाद में कि इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है।
सॉल्व करके फिर आप चेक कर लीजिए, फिर देखिए यहाँ क्या मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है। हाउ मेनी सिल्वर कॉइंस ऑफ 1.75। मैं आपको बता दूं कि जितने भी कॉइंस होते हैं वो सब सिलेंड्रिकल होते हैं, क्योंकि उस समय थिकनेस होती है। क्या होता है भैया? थिकनेस होती है, ठीक है ना। कॉइंस सिलेंड्रिकल कॉइंस में जो जितने भी कॉइंस होते हैं वो सब सिलेंड्रिकल होते हैं कॉइंस में, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, हाउ मेनी सिल्वर कॉइंस, इतने सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस ही इस सिलेंडर, ये इसकी थिकनेस दी हुई है। मस्ट बी मेल्टेड फॉर मार्क कीवर्ड, उनको क्या बना दिया गया है? कीवर्ड बना दिया गया है ऑफ डायमेंशियस दिस, ये कीवर्ड बना दिया है। तो कितने सिल्वर कॉइंस को मेल्ट करना पड़ेगा? हमने सपोज कर लिया भाई n कॉइंस को मेल्ट कर दिया, ये हमने कॉइन बना दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये इस कॉइन की थिकनेस है, कितनी है? 2 mm, 2 mm का मतलब 0.2 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि सारी कीवर्ड की भी और बाकी इसकी, ये सब, ये इसकी थिकनेस है और ये इसकी रेडियस है, और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस दी हुई है हमको, इसकी इसकी रेडियस दी हुई है 1.75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर ये इसकी रेडियस दी हुई है। तो हमने सपोज कर लिया कि भाई एन पॉइंट्स को मेल्ट किया गया है, कितने पॉइंट्स को? एन पॉइंट्स को मेल्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो जब एन पॉइंट्स को मेल्ट कर दिया गया है, एक सेंटीमीटर, तो एन पॉइंट्स का वॉल्यूम इक्वल टू इस कीवर्ड का वॉल्यूम आप यहां पर पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट कैसी शेप में? सिलेंड्रिकल की शेप में है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर एच, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने प्रेजेंट है। तो देखिए कितने सिक्के मेल्ट किए जाएंगे? 100 सिक्के, कितने? सॉरी 400, कितना आंसर आएगा इसका? 400 पॉइंट्स इसका आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, बकेट की हाइट कितना है भैया? 32 सेंटीमीटर, विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद सैंड, इसको किससे फिल किया गया? सैंड से। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड ऑन द कॉनिकल हीप, आप घर पर भी लीजिए, किसी ग्लास वगैरह में कुछ आइटम भर लीजिए, चीनी नमक कुछ भी, और आप उसको किसी एक प्लेन पर सरफेस पर मेल्ट पोर करिएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी शेप कैसी बन जाती है? कॉनिकल बन जाती है, जब तक आप उसे कुछ छेड़ेंगे नहीं, सीधे उड़ेंगे, कॉनिकल बनेगा ऑटोमेटिकली, डेफिनेटली, ठीक है। तो कॉनिकल हीप ऑफ सैंड फॉर्म्ड, हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24, रेडियस पूछ रहा है और सिलेंट हाइट पूछ रहा है, तो जितना सैंड सिलेंड्रिकल में था उतना ही सैंड इसका रहेगा भाई, शेप भी तो चेंज हो गए, वॉल्यूम विल बी सेम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखिए वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट, अब बकेट में बकेट की शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल, तो उसकी भी शेप सिलेंड्रिकल रहेगी, कहीं कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। और वॉल्यूम ऑफ द सैंड इन द कोन, तो कोन के अंदर बना बाउंड्री पाई आर स्क्वायर एच आ गया, ठीक है। तब देखिए पाई से हमारा पाई कट हो जाएगा, पाई से पाई कट हो गया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, थर्ड सम आर की वैल्यू आ जाएगी 36 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, सिलेंट हाइट निकाल लेंगे, सिलेंट हाइट भी पूछ रहा है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा सिलेंट हाइट आ जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, कैनाल है आपके घर के, नाली होती है घर के आगे, नाली होती है, नाली में जब वाटर फ्लो होता है तो वो कैसी शेप में हो जाती है? फिर वर्टिकल शेप में हो जाती है, और जिस लेंथ तक वाटर फ्लो हो रहा होता है उस लेंथ को हम कह देते हैं उसकी हाइट, क्यों वर्टिकल है तो उसकी लेंथ कह देते हैं, क्यों वर्टिकल में उसकी, और पाई
निकलता है कभी कभी पानी, बहुत सी पाइपों में से पानी निकलता है तो सिलेंड्रिकल हो जाता है, तो उसकी हाइट कराती है। उसको तो मैं कई बार डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखिए 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस तक जा रहा है। इसका मतलब वो इसकी लेंथ हो गई 10 किलोमीटर तक, ठीक है ना। ये वाइड हो गया, डेप्थ इसकी क्या हो जाएगी, हाइट कहलाएगी। डेप्थ इसकी हाइट कहलाएगी, ब्रेथ इसकी ये भी हो गई, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और अब ये इसकी लेंथ हो गई। तो देखिए ब्रेथ ऑफ द कैनल इतना, डेप्थ ऑफ द कैनल इतना हो गया, ठीक है। स्पीड ऑफ द वाटर 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो इसकी लेंथ भी हो जाएगी, क्या हो जाएगा इसका, ये लेंथ हो गया। तो वन आवर में इतनी बेटा, देख नहीं रही है पता नहीं। हाँ जी चलिए, तो ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है ना। ये इसकी क्या हो गई भैया, लेंथ हो गई, ओके। तो इतने क्यूबिक मीटर हो गया। हमसे पूछ कितने में रहा है भाई, 30 मिनट में पूछ रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, अब उस पानी को निकाल करके किसी प्लॉट में छोड़ दिया जाए, किसी फील्ड में छोड़ दिया जाए, तो फील्ड का एरिया और कितनी इसकी स्टैंडर्ड हो गई, वो उसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कीवर्ड, एरिया इनटू हाइट भी होता है। तो इतना तो वन आवर में वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, इतने वन आवर में, है ना। तो हाफ आवर में कितना हो जाएगा, 45,000 क्यूबिक मीटर हो गया, क्लियर। मान लीजिए कि एरिया हमारा एक्स मीटर स्क्वायर को कवर कर रहा है, हाइट इसकी 8 है, तो 8 अपॉन 100 मीटर हो गया। 100 को उठा के इधर ले आएंगे भाई, 8 को उठा के अपॉन में ले आएंगे, सॉल्व कर लेंगे, एक्स आ जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर आएगा। अब एज वी नो दैट 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 10,000 का डिवाइडेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इन हेक्टेयर में, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 हम यहां पर इसका पढ़ेंगे। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है भाई, एक सेकंड बेटा। अभी एक सेकंड रुकिएगा मेरे बच्चों, चलिए देखिए। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन आवर फील्ड व्हिच इज 10 मीटर डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। एक वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप एट द रेट ऑफ 3। देखिए जो कैनाल है वो भी सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल टैंक है, और वहां से पानी को निकाल करके जिसमें डाला जा रहा है जिस पाइप से, वो भी सिलेंड्रिकल है, क्लियर हो गया। अब चलिए एंड हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, तो टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा। तो आप ऐसे निकाल लीजिए इसका कि 1 आवर में कितने वाटर फ्लो हो रहा है और वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकाल दीजिए। तो हम n आवर्स में मान लेते हैं कि भाई n आवर्स में फिल हो जाएगा, तो n का उसमें इनटू कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द पाइप में, कंपेयरिंग करा दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आवर, डायमीटर ऑफ पाइप 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ पाइप 10 सेंटीमीटर हो गई, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। डायमीटर ऑफ टैंक कितना, रेडियस ऑफ टैंक कितना, हाइट ऑफ द टैंक कितना हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लीजिए हमने कि n मिनट में खाली हो रहा है, कितने में खाली हो रहा है, n मिनट में। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक सिलेंड्रिकल है, पाइप स्क्वायर,
volume of that flow, water that flows through the pipe in n minutes. So n into area of water, ठीक है? So volume of the water through the pipe, so pi r square into h. अब उसकी जो लेंथ है 3 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, पर आवर से आवर के मिनट बना दिया अपन इनटू 60 करके, सॉल्व कर लेंगे 100 मीटर फिल हो जाएगा। नमस्कार सभी भैयाओं को।